दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इथेरियम इस टाइम पर मार्केट में दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। मोर देन 80% ओल्ड कॉइन्स ऐसे हैं जो कि इथेरियम का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, और हंड्रेड ऑफ हंड्रेड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी ERC20 प्लेटफॉर्म ही यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में इथेरियम की डिमांड में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से इथर की जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी मार्केट के जो एक्सपर्ट और एनालिस्ट हैं वो इथेरियम कॉइन के प्राइस के रिलेटेड क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम डिस्कस करेंगे। 2025 तक इथेरियम की प्राइस क्या होगी हम कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में कुछ की पॉइंट्स हैं इथेरियम के रिलेटेड, उस बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप भी इथेरियम कॉइन को लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ होल्डिंग स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आप मार्केट में कॉमन ट्रेडर से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं और फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले 2025 की बात करेंगे, फिर 2022 की, फिर 20 की, और उसके बाद कुछ आपको फैक्ट एंड फिगर्स बताऊंगा कि क्यों हमें इथेरियम कॉइन को होल्ड करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। एज पर द इथेरियम प्राइस फोरकास्ट एंड अलोगरिथमिक एनालिसिस, द प्राइस ऑफ वन इथेरियम विल बी अराउंड 3844 इन 2025। प्रेटी मच ऑसम है, और ये रियलिस्टिक भी है क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स जो इथेरियम की प्राइस है वो ये पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस भी मिलेंगी कि जी 100,000 तक चले जाएगी डॉलर तक इथेरियम की प्राइस है। लेकिन ये जो मैंने तीन चार जो एक्सपर्ट और एनालिस्ट चूज किए हैं इनकी जो प्राइस प्रेडिक्शन ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है। तो कॉइन स्विच के मुताबिक प्राइस को 2025 में 3844 डॉलर्स के अराउंड अबाउट होना चाहिए, ठीक है। 2022 में इनका ये कहना है कि इथेरियम की जो प्राइस है वो 2500 डॉलर तक भी जा सकती है। कुछ मार्केट के गुरुज हैं, उनका क्या कहना है हम उसको भी देख लेते हैं। नंबर वन पे है प्रे रेस ऑन ट्रेडिंग व्यू, ये ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट के एक्सपर्ट भी हैं, आप देख सकते हैं। एज पर एन एनालिस्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू, इथेरियम माइट रीच 320 USD बाय द एंड ऑफ 2020 एंड बिलीव्स इट टू बी अ रियलिस्टिक टारगेट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि 2020 के लास्ट तक बिटकॉइन की सॉरी इथेरियम की जो प्राइस है वो 320 डॉलर्स तक होनी चाहिए। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, ट्यू लॉन्ग एफएक्स, राइट। फॉरेक्स ट्रेडर ट्यू लॉन्ग एफएक्स सजेस्ट दैट इथेरियम हैज द पोटेंशियल टू ग्रो एंड कैन रीच एज मच एज 1365 डॉलर्स बाय 2021। मैं भी इनकी बात से एग्री करता हूं कि 2021 तक एटलीस्ट इथेरियम की जो प्राइस है 1365 डॉलर तक जानी चाहिए। क्यों, उसके मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं जो फाइनेंशियल गुरुज हैं इनकी बात करें, फिर बाद में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए भी। नाइगल ग्रेन जो के डिबियर ग्रुप के सीईओ भी हैं, ये इनकी कंपनी की वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नाइगल ग्रेन इज अ फाउंडर सीईओ एंड की ड्राइवर ऑफ डिबियर ग्रुप, द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। इनके मुताबिक जो प्राइस है इथेरियम की वो भी देख लेते हैं कितनी होनी चाहिए। इनका ये कहना है ये काफी ज्यादा बुलिश है इथेरियम के मामले में। नाइगल ग्रेन प्रेडिक्टेड दैट इथेरियम वुड रीच मोर देन 2500 डॉलर्स बाय 2020। काश ऐसा हो तो क्या ही बात है। ही स्टेटेड थ्री रीजंस फॉर इथेरियम प्राइस इंक्रीज मोर, इन्होंने थ्री वैसे रीजंस दिए हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। ये तो वैसे अभी के लिए जो करंट सिनेरियो को देखते हुए पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके रीजंस हैं जो कि हमें कंसीडर करनी चाहिए। रीजन नंबर वन, मोर प्लेटफॉर्म यूज फॉर ट्रेडिंग एंड मोर डिमांड फॉर डिजिटल करेंसीज। एग्जैक्टली, जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसे डैप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जो कि इथेरियम का प्लेटफॉर्म यूज करें और डे बाय डे वो इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आ रही है, इनका जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इथेरियम की जो प्राइसेज हैं वो काफी ज्यादा जा सकते हैं, काफी ज्यादा हाई स्काई रॉकेट हो सकती हैं। इंक्रीज यूज ऑफ
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और ट्रेडिंग बीस्ट वालों का ये कहना है, जो कि एक वेबसाइट भी है, अक्सर मैं इस वेबसाइट को देखा करता हूँ, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रडिक्शंस होती हैं और काफ़ी रियलिस्टिक होती हैं। अकॉर्डिंग टू वेबसाइट ट्रेडिंग बीस्ट, द प्राइस ऑफ ईथर माइट रीच $908 बाय द एंड ऑफ 2020। रियलिस्टिक अप्रोच है, बढ़ सकती है क्योंकि इथेरियम 2 भी लॉन्च होने जा रहा है। द एवरेज प्राइस माइट रिवॉल्व अराउंड $650, ठीक है। दैट वाज अ वेरी कंजर्वेटिव येट रियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन फॉर इथेरियम, ठीक है। ब्रायन कुस्टर, ये आर्क फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, ठीक है, आर्क कैपिटल एलएलसी के। द फाउंडर ऑफ आर्क कैपिटल एलएलसी ब्रायन कुस्टर मेड ए वेरी बुलिश एंड ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शन। ही बिलीव्स दैट इथेरियम मे रिच $100,000 इन अनदर 5 years आर सो एंड विल एवेंचुअली रिप्लेस गोल्ड विद क्रिप्टो। काश ऐसा हो कि इथेरियम जो है वो $100,000 से भी ऊपर चले जाए, तो हम में से सारे के सारे जो बंदे हैं वो मिलियनर हो जाएंगे, ट्रेडर्स जो हैं सारे ही अमीर हो जाएंगे। काश ऐसा हो, ठीक है। ये काफ़ी वैसे ऑप्टिमिस्टिक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब बिटकॉइन $1 पे था, 40 सेंट पे था, तो किसी को पता था वो $20,000 तक जा सकता है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। कॉइन केयर, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी की प्रेडिक्शन की वेबसाइट है। इनके मुताबिक इथेरियम माइट रीच एज मच एज 1,455 बाय द एंड ऑफ 2020। दे इवन प्रेडिक्टेड दैट इथेरियम विल टच टू $1,000 बाय मे 2020। फिलहाल तो कोई ऐसा करंट सिनेरियो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इथेरियम के जो प्राइस है वो एट द एंड ऑफ दिस ईयर $1,455 तक भी चले जाए, ठीक है। अभी हम कुछ डिस्कस करते हैं कि इथेरियम कॉइन में क्यों डिस्कस सॉरी इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर वन रीजन है कि इन कमिंग मंथ में इथेरियम 2.0 वर्जन लॉन्च होने जा रहा है। मैंने रिसेंटली इसकी वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो जैसे ही इथेरियम 2.0 वर्जन होगा लॉन्च, तो वो क्या है मैं आपको जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अंदर बता देता हूँ। प्रूफ ऑफ वर्क से, जो कि अभी इथेरियम का प्लेटफॉर्म इस कंसेंसिस पे वर्क कर रहा है, जो माइनर्स हैं वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहे हैं, वो स्विच करके प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे आ जाएगा। दैट्स मीन कि हर माइनर को कम अज कम 32 इथेरियम स्टैक करना होंगे। जिनके पास ज्यादा से ज्यादा इथेरियम होंगे, ये मिनिमम अमाउंट है 32 इथेरियम। आप भी कर सकते हैं 32 इथेरियम के साथ स्टेकिंग। आपको हर मंथ में स्पेसिफिक पीरियड में जितना भी लॉन्ग अरसे के लिए आप स्टैकिंग करते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता जाएगा, जिसके नतीजे में ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो इथेरियम है वो स्टैकिंग में आ जाएंगे। इसका मतलब है सेलिंग जो है वो कम हो जाएगी, इन्वेस्टिंग बढ़ जाएगी और इथेरियम की प्राइस बूम हो जाएगी, ठीक है। स्टैकिंग में ये होगा कि आपको 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए स्पेसिफिक पीरियड सेलेक्ट करना होगा और अपने जो इथेरियम कॉइन्स हैं उनको स्टैक करने होंगे, लॉक करने होंगे स्पेसिफिक पीरियड के साथ। जितना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे, उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट होगा। डेफिनेटली जो आजकल के माइनर्स हैं, जो इथेरियम को माइन कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, इथेरियम को ज्यादा से ज्यादा स्टैकिंग करेंगे, ताकि उनको जितना पहले रिवॉर्ड मिलता था, अब स्टैकिंग के थ्रू उससे ज्यादा रिवॉर्ड मिले। और चूंकि इसकी जो सेलिंग है वो कम हो जाएगी, बाइंग बढ़ जाएगी, होल्डिंग पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इथेरियम के जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगी और डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी और जो ERC20 प्लेटफॉर्म ऑल्ट कॉइन यूज करें वो भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी वक्त के साथ इंक्रीज होती जाएगी। ये सारे जो एलिमेंट्स 3-4 साल के अंदर अंदर जब इकट्ठे हो जाएंगे, तो इथेरियम की प्राइस में बहुत ही अच्छा इजाफा होने वाला है। एक और है टेक्निकल डेवलपमेंट, वो अभी फिलहाल 5 साल के बाद होगी, वो इथेरियम 1.0x है। अभी तो इथेरियम 2.0 है लॉन्च होने जा रहा है, उसके बाद फाइनल जब ये स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, इसको वैसे कंप्लीट 2-3 साल लगेंगे, फेज 0, 1, 2, 3 को कंप्लीट होते हुए, इथेरियम 2.0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इथेरियम 1.0x स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश मूवमेंट आएगी इथेरियम की प्राइस में। और डेफिनेटली अगर आप मिनिमम 5 साल के लिए इसको होल्ड करते हैं, तो आपको जो प्राइस है इथेरियम की
वो दिखाई देनी चाहिए, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट भी किया, मोर देन $3,000 या $2,500 एटलीस्ट जाने चाहिए, ठीक है। और मैं भी इस बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि 2025 तक इथेरियम की जो प्राइस है वो $2,500 होनी चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, लेकिन आपको कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी देना चाहूँगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कॉइन को होल्ड करने जा रहे हैं ना, तो ये देखें कि जैसे ही कोई मेजर इवेंट आता है, जैसे अभी इसकी लॉन्चिंग डेट आएगी, उसके बाद फेज वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, कोई भी इनके टेक्निकल डेवलपमेंट की कोई भी न्यूज़ ऑन होती है ना, डेफिनेटली आपको यूट्यूब से अदर सोर्सेज से पता चलता रहेगा। एकदम से अगर हाइप आती है, 30-40%, 80%, 90% हाइप आती है ना, तो आप क्या किया करें कि 70% जो आपकी होल्डिंग है उसको सेल कर दिया करें उस हाइप में। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन लेना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रियलिस्टिक जो है वो गोल सेट ना करें। मार्केट सपोज करें $1,000 पे आपने सेल किया और आप ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट $200 पे आएगी दोबारा, तो ही मैं इथेरियम कॉइन बाय करूंगा। नहीं, अगर आपने $1,000 पे सेल किया है 70% कॉइन, अगर वो आपको $800 पे या $900 पे भी इथेरियम मिलता है ना करेक्शन के बाद, आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, उसी अमाउंट के साथ उसको रीबाई कर लें, इसकी क्वांटिटी ऐसे बढ़ा सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द 2025 में, जिन अगर एक बंदे को एक इथेरियम होल्ड करने पे $2,500 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो वहीं पे आपको $4,000 का प्रॉफिट होगा। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इजी टू रिमेम्बर है, मेसमोराइज है। इस वे में आप अदर ओल्ड कॉइन्स में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्विटर के ऊपर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।